तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज से, तो सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। तो पक्ष और विपक्ष के विधायक रहेंगे सदन में मौजूद। विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार होगी शुरुआत। बजट सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का प्रदर्शन। तो कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। जोशीमठ पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, आज से उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, इसके बाद कल से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। ऐसे में आज किस तरह से विपक्ष की तैयारी, इसके अलावा पक्ष किस तरह से विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार दिख रहा है? जी बिल्कुल उदय, देखिए आज जिस तरीके से अगर विधानसभा की बात करें, आज विधानसभा का आगाज शुरू हो रखा है, राज्यपाल का जो है अभिभाषण शुरू हो गया है, उसको लेके अब जिस तरीके से अगर बात करें, क्योंकि अभिभाषण में जो है वो मुख्यमंत्री के जितने भी कार्यकाल में रहे हैं, एक साल में जितने विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या आगे की रणनीति है, रोड मैप किस तरीके से तैयार किया जाएगा, इन तमाम चीजों को जो है वो जनता के सामने रखेंगे। परंतु जिस तरीके की अगर बात विपक्ष की करें, विपक्ष लगातार हमलावर होने की यहाँ पे पूरी तरीके से कवायद कर रहा है। और आज जो है तमाम जो नेता है वो वहां पे भराड़ी साइड पहुंच चुके हैं, विधानसभा को घेरने की तैयारी है। उनका कहना था कि चाहे वो जोशीमठ का बात मामला हो, अंकिता हत्याकांड का मामला हो, यूके ट्रिपल एससी जो है पेपर लीक का मामला हो, तमाम चीजों को लेके जो है आज वो वहां से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जी अवनीश जी, अगर बात करें तो इस बार सरकार की क्या कुछ कोशिश होगी, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक है जो सरकार की तरफ से सदन में रखे जाएंगे, उनको पेश किया जाएगा, और सरकार की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो विधेयक हैं उनको पास किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर उदय बात करें विधानसभा सत्र की, तो जिस तरीके से रखने की बात करी थी विधायक, तमाम विधायक के चाहे वो यहाँ पर जो है जो इसका था महंगाई का मुद्दा था, बिजली संकट को लेकर किस तरीके से जो है उसका बिजली को जो है यहाँ पर कम से कम किया जाए, केंद्र से भी जो है उन्होंने मांग की थी 400 मेगावाट की, महंगाई का मुद्दा है, और जो पलायन का सबसे बड़ा जो पलायन की बात थी, अभी जिस तरीके से पलायन आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी, उसको लेके क्या यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जाएगा, ये तमाम चीज जो है विधायक आज पटल पर रखे जा रहे थे उसको लेके। परंतु जिस तरीके से अगर यहाँ पे बात करें विपक्ष की, और वो हमला हो रहा होने की तैयारी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो है हंगामेदार रहेगा विधानसभा सत्र। जी उदय जी, अवनीश जी, अगर बात करें तो बजट पेश किया जाएगा, तो इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहेगा उत्तराखंड के लोगों के लिए? बजट सत्र की बात करें, बजट पे जिस तरीके से यहाँ पे प्रदान किया गया था कि यहाँ पर जो है पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था, और जो बजट की बात थी विकास कार्य होने थे, यहाँ पर जो है महंगाई का मुद्दा था, उनको लेके कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है जनता के सामने कवायद रखने की बात जरूर की जाती, और सबसे बड़ी बात है जिससे इंडस्ट्री लगाने की बात थी, वो कहीं ना कहीं एमओयू की बात भी यहाँ पे विधेयक में जो है पास की जा सकती है। जी, अगर बात करें अवनीश जी, तो हम ये भी देख रहे हैं कि कई जो मुद्दे हैं, हालांकि हमने नकल विरोधी, नकल से रिलेटेड कई हमने खबरें भी देखी, जहां हमने ये भी देखा कि युवाओं ने जब प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, इसके बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून भी बनाया, एक कड़ा कानून बनाया, और जनता को एक संदेश देने की कोशिश की गई कि राज्य में अगर इस तरह की कोई गतिविधियां करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि ऐसे कई मुद्दे हैं उत्तराखंड में, चाहे वो महंगाई हो, बिजली समस्या हो, या जोशीमठ का मुद्दा हो, ऐसे में कांग्रेस जो है खास रणनीति के तहत सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और प्रदर्शन भी होते हुए नजर आएंगे। अब आने वाले वक्त में हम क्या देखते हैं, क्या बजट सत्र जो है वो सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगी, या कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी रोड़ा अटकाने का काम करेगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पर जोशीमठ का मामला है, अभी पिछले दिनों जो है यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं करण महारा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जो ये यहाँ पर जो वो दिया जा रहा है कंपनसेशन दिया जा रहा है वो नाकाफी है, और कुछ लोगों को तो अभी तक मिला नहीं है, विस्थापन के लिए अभी सरकार ने कोई भी जो है जगह चिन्हित नहीं की है, किस तरीके से उनको विस्थापन किया जाएगा, क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा, ये तमाम बातों को लेकर, और खास करके सबसे बड़ा जो मुद्दा है अंकिता हत्याकांड में जो वीआईपीओ का नाम है वो यहाँ पे सामने करने की बात कर रहे हैं कि सरकार उसका नाम नहीं उजागर कर रही है,
और अभी तक सीबीआई की जो जांच थी उससे सरकार जो है नकार रही है। ये तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे आज जरूर घेरेंगे और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो विधानसभा का सत्र है वो कहीं ना कहीं जो है वो अधर में जरूर लटक सकता है। जी अवनीश जी, ये भी कहा जा रहा है कि आज राज्यपाल का भी भाषण होगा, इसके बाद 14 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी और 14 मार्च को ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आगे का एजेंडा तय किया जाएगा। इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार 15 मार्च को बजट पेश कर सकती है, तो कार्य मंत्रणा और समिति की बैठक में सरकार किस तरह के निर्णय ले सकती है जनता के लिए? देखिए यहाँ पर उदय, अगर बात करें राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको लेकर यहाँ पे लगातार, क्योंकि यहाँ पे जो है एक साल का जो रोड मैप होता है, किस तरीके से रोड मैप को तैयार किया जाएगा, जनता के हित में क्या क्या निर्णय हो सकते हैं और जिस तरीके से विकास कार्यों की, जहां तक बात करें विकास कार्यों की, यहाँ पे मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को जो है यहाँ पे पटल पर रखा जाता है, उसको लेके चर्चा जरूर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर भाजपा भी लगातार आरोप लगा रही है, विपक्ष के लिए बोल रही है, उनका कहना था कि जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है और जो अगर उनको कोई चर्चा करनी है तो वो विधानसभा सत्र पे पटल पे अपनी बात रखे, उसमें बाकायदा चर्चा की जा सकती है। ये तमाम चीजों को लेके आज कहीं ना कहीं जो है ये हंगामे की जो है आसार नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो है आज जो है सदन की कार्यवाही ना हो जाए। जी अभिनीत जी, धन्यवाद आपके स्कोर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन में मौजूद रहेंगे, विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत होगी। तो बजट सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है।